अर्चना झा जी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। मैं अर्चना झा जी से पूछना चाहूंगा, अर्चना जी ये पेंटिंग क्या है जरा आप हमें? सर ये पेंटिंग का जो मेन थीम है फ्रेंडशिप के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर है। दोस्त मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड शशि और मैं साथ में हूँ इसमें। और इसमें जो मीडियम यूज किया गया है, मीडियम जो यूज किया गया है वो वाटर कलर यूज किया गया फेवरेट पेपर के ऊपर। और जो टेक्निक है वो मधुबनी प्लस गोन पेंटिंग फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश और मधुबनी फ्रॉम बिहार, दोनों का फ्यूजन वर्क पे ये काम हो रखा है। आप कितने साल से पेंटिंग? जी मैं 14 साल से पेंटिंग कर रही हूँ। 14 साल से। वैसे आप गृहिणी हैं या कहीं? जी मैं जॉब करती हूँ, आज एक टीचर जॉब करती हूँ, नोएडा के स्कूल में जॉब करती हूँ, गृहिणी भी हूँ। आपको इतना कितना टाइम मिलता है? आप टीचर भी है, गृहिणी भी है, पेंटिंग का टाइम भी निकालती है, आप कैसे मैनेज करती हैं? मैं मैनेज आफ्टर स्कूल से जब घर आती हूँ स्कूल का काम फिनिश करके 8 o'clock के बाद में बैठती हूँ। अभी तक कितनी आपने पेंटिंग बनाई है? मैंने कम से कम 70 से ऊपर पेंटिंग बना रखी है और 23 मेरे ग्रुप शो हो रखे हैं, 2 मेरे सोलो हो रखे हैं, 3 मैंने वर्कशॉप अटेंड कर रखी है। कुछ पेंटिंग बिकी भी है आपकी? हाँ कम से कम अभी तक मेरी 20 पेंटिंग ऑलमोस्ट बिक चुकी है। तो आप ही आजकल जो नौजवान पीढ़ी है इन तरह की चीजों में बहुत कम आती है, आप कुछ उनको संदेश देंगे कि इनसे भी आप कमा भी सकते हैं, एक अपनी हॉबी भी पूरी कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है जब मैं 100% नहीं देती जब मैं इतना कर सकती हूँ तो जो बच्चे अगर इसको एज ए प्रोफेशन यूज करे उनके पास 100% टाइम है, नई नई टेक्निक सीखे, नई नई चीज सीखे और सिर्फ पेंटिंग ना करे साथ में सोशल वर्क के साथ भी उसको जोड़े, पेंटिंग को पेंटिंग सोशल वर्क के सोशल थीम के ऊपर भी करे, सोशल वर्क के साथ भी जोड़े और उन लोगों के लिए भी काम करे जिनके पास जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं हमारे देश में, जिस चीज की कमी है उनके लिए भी काम करे, सोशल कॉज के पीछे के साथ काम करे, तो मुझे लगता है कि आपको से अच्छा होगा। थैंक यू अर्चना जी। मैडम ये क्या चीज है पेंटिंग, क्या बता रही है? ये पेंटिंग में हमने ये दिखाया हुआ है कि हमारे साथ एक जो पावर होती है वो आप ईश्वर की पावर रख ले, मैन पावर रख ले या तो वो पावर हमारे साथ हमेशा हमें होल्ड करके रखती है, हमारे अप्स में डाउन्स में हमारे किसी भी मुसीबत में, तो वो पावर जो है ना हमेशा हमें होल्ड करके चलती है। तो हमने अपनी पेंटिंग में वो पावर को मेल उसमें दिखा के फिगर में उसको अपने पेंटिंग में रखा हुआ है। मैडम आप कब कितने सालों से कर रही है पेंटिंग? ये हमारा हॉबी है बचपन से, मतलब गॉड गिफ्टेड है सेल्फ और आर्टिस्ट। तो आप अपना नई जनरेशन के लिए क्या मतलब उनको संदेश देना चाहते हैं? वो आजकल तो सीखते भी कम है। तो अगर आप सीखते हैं तो आप और अपने काम के लिए परफेक्शन देते हैं, बाकी ये चीज आर्ट्स ऐसी चीज होती है वो आपके दिल से उतरती है, आपकी एक नेचर में कहीं आपकी वो क्लिक करती है चीजें, वो तभी आप उस फील्ड में आ पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन हमारा मन कहाँ आता है, जो हमारे दिल से निकले आपको वही काम करना चाहिए। तो यही हम नई जनरेशन से कहना चाहेंगे कि जो आपके दिल में हो वो काम पहले करो। थैंक यू मैम। सर ये पेंटिंग क्या बता रही है, ये जो भी फोटोग्राफ? हाँ फोटोग्राफ क्या मतलब क्या सोच के लिया? मैं तो आपको काफी टाइम से जानता भी हूँ, थोड़ा सा बताइए। देखिए इसका टाइटल है फिस्ट, इसको मैंने एक टाइटल दिया फिस्ट कि माँ अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखती है। बच्चे बेशक उड़कर खाने के पास तक आ गए किंतु खाना नहीं खा पा रहे, उनको माँ जो है इस तरह से खाना खिला रही है कि देखो, और दोनों के मुंह बराबर खुले हैं। आप पिक्चर्स में देखेंगे कि वो किसको पहले डालना डाले, किसको क्या करे, ये पिक्चर्स में मैंने दिखाया है कि जो बड़ा मुश्किल है ऐसा कैच करना, अगर आप चाहेंगे भी तो बहुत मुश्किल से है। दिस द नेचर, ये नेचर है, नेचर में ही नेचुरल ये है फोटोग्राफी का, जो नेचर में कमाल है वो फोटोग्राफी का और कहीं नहीं जा सकते आप, नेचर के साथ ही मैं सारा काम करता हूँ। सर आप तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं मुझे मालूम भी है, और मेन नई जनरेशन के लिए क्या करेंगे, वो तो आजकल कंप्यूटर पे या उस पर लगी हुई है। हाँ नई जनरेशन के लिए भी आप देखिए कि फोटोग्राफी में मैंने इसके अलावा भी माइक्रो फोटो पेंटिंग बनाई है, उसके उन पेंटिंग्स में क्या किया है मैंने कि जो कंप्यूटर कैमरे के थ्रू छोटी छोटी चीजों को मैंने बड़ा माइक्रो लेंस से शूट किया और उन्हें कंप्यूटर की हेल्प से पेंटिंग में कन्वर्ट किया, तो एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ जिसका नाम मैंने इंट्रोड्यूस किया है इस दुनिया में पेंटिंग में, माइक्रो फोटो पेंटिंग्स। माइक्रो फोटो पेंटिंग्स जो इंट्रोड्यूस किया मैंने 2002 में की थी फर्स्ट टाइम, जो अभी तक चल रही हैं और उनको आज मल्टी सिस्टम पे सब बना रहे हैं, सारे उनको ग्राफिक डिजाइन से बना रहे हैं, कोई किस तरह बना रहा है, किंतु जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो सारी कैमरे के थ्रू पेंटिंग बनाई है, जो फर्स्ट टाइम पेंटिंग बनाई है। थैंक यू। थैंक यू। बारे में थोड़ा सा बताएं सर मुझे। ये मुझे वुमन जो है वो हवन कुंड की अग्नि की तरह लगती है,
मतलब मुझे लगता है वो इक्वलेंट है। हवन कुंड की अग्नि जिस तरह से सारा एटमॉस्फेयर शांत कर देती है, पवित्र कर देती है, वही काम स्त्री करती है। जो घर में एक छोटा सा यूनिट है मदर, वो सब सबकी नेगेटिविटी अपने पास लेती है और उनका उनको बेटर पर्सनैलिटीज बना के बाहर प्रेजेंट करती है समाज में, और इसी वजह से हमारा समाज इतना सब कुछ होने के बाद भी खड़ा है और चल रहा है। और यही है, अगर हम इनको ध्यान नहीं देंगे, अगर वुमन को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की जो है नेगेटिविटीज को उनको खत्म नहीं करेंगे और केयर नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रह जाएगा और सोल उसमें से गायब हो जाएगी। लेकिन ये जो है हमारा, ये वुमन एक्चुअल में वही है जो पवित्र करती है, और इसीलिए समाज हमारा चल रहा है। ये मैंने अपनी बचपन की यादों को लेकर करा है कि एक लड़का है वो अपनी बिलावट के बारे में सोच रहा है। जैसे हम बचपन में एक फूल को लेके एक पत्ता गिराते थे कि शी लव्स मी नॉट, उसका टाइटल भी वही है। वो ऊपर से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, उनको पकड़ के यही चीज उसने अपने भाव में व्यक्त की है। तो मैडम, ये कितने सालों से आपकी पेंटिंग कर रहे हैं? मेरे को 15-20 साल हो गए हैं मैं पेंटिंग करती। मैं फाइन आर्ट की ग्रेजुएशन करी है मैंने। आजकल नए बच्चे नहीं आ रहे, एक मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अपना आर्ट में नहीं आ रहे। अभी रिसेंटली बहुत रिवाइव हुआ है इंटरेस्ट। एक्चुअली आर्ट में लोगों को फ्यूचर नहीं दिखाई देता, इसीलिए नहीं ज्यादातर आते। पर मेरे आप उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि सबने यहाँ पेंटिंग्स के बारे में बोला है, मैं आज आर्टिस्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट के लिए क्या मिलता है जब एक इकट्ठे एक सामंजस्य में हम लोग मिलते हैं। 24 काम है यहाँ पर, 24 आर्टिस्ट का डिफरेंट सामंजस्य होता है, हर एक का डिफरेंट आइडिया होता है, तो एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज रियली अ गुड एफर्ट दैट आर्टिस्ट ऑल्सो टेक्स अवे समथिंग बैक, इट्स नॉट ओनली दैट द विजिटर्स टेक इट। थैंक यू, इट्स वेरी नाइस फॉर द आर्टिस्ट।